क्लास वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका मोरल वैल्यू का टर्न है, तो निकालिए अपनी बुक वैल्यूज और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर। सो एट्थ क्लास पेज नंबर 11 पर आपका है नो मोर टाइम, यानी कुछ और जानने का समय। बच्चों अभी तक हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, अब हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो आपकी इस बुक में हर चैप्टर के बाद दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 का एक्स्ट्रा वर्क पढ़ेंगे। इसमें बच्चों आपको पढ़ना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न एट कैलकटा इन उड़ीसा इन 1897। सुभाष चंद्र बोस कैलकटा जो कि उड़ीसा में है वहां पैदा हुए थे 1897 में। ही वॉज अ ग्रेट हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव पर्सन, वो एक महान मददगार और सबकी हेल्प से काम करने वाले पर्सन थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी विवेकानंद टीचिंग, उन्हें स्वामी विवेकानंद की जो टीचिंग्स थी, उनकी शिक्षाएं थी, उन्होंने काफी ज्ञान दिया, उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। सुभाष टुक द इंडियन सिविल सर्विसेज फ्रॉम इंग्लैंड बट रिटर्न टू इंडिया व्हेन द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। सुभाष ने इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी उसकी पढ़ाई की इंग्लैंड से, लेकिन फिर इंडिया आ गए जब जलियांवाला कांड हुआ था इंडिया में। सुभाष ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया एक्टिवली, सुभाष चंद्र बोस ने जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला था पूरा उसमें अच्छे से भाग लिया। व्हेन वर्ल्ड वॉर सेकंड ब्रोक आउट, जब विश्व युद्ध सेकंड हुआ था तो बोस जो है वो जर्मनी गए और उन्होंने मतलब कॉपरेशन की, मदद की मांग करी इंडिया के लिए। ही मेड अ रेडियो ब्रॉडकास्ट फ्रॉम जर्मनी टू चैलेंज द ब्रिटिश इन इंडिया, उन्होंने जर्मनी से एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया, मतलब एक रेडियो शो करा उन्होंने जर्मनी से और चैलेंज करा जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें कि वो इंडिया में ना रुक पाए। बोस देन सॉट हेल्प ऑफ जर्मन एंड कॉपरेशन ऑफ जापानीज फोर्सेस टू फॉर्म एन आर्मी, फिर बोस ने जर्मन और जापानीज फोर्सेस की मदद ली और एक आर्मी बनाई। द आर्मी वॉज नोन एज द इंडियन नेशनल आर्मी और द INA, जो सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बनाई उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, या फिर उसे शॉर्ट में INA कहा गया। काफी इंडियंस ने भी बोस की आर्मी ज्वाइन करी और बोस ने स्लोगन दिया जब इंडिया का स्वतंत्रता संग्राम चला, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला हमारा, उसमें उन्होंने स्लोगन दिए जय हिंद और दिल्ली चलो। तो ये सुभाष चंद्र बोस के स्लोगन थे, काफी उनका योगदान रहा हमारी स्वतंत्रता में। तो बच्चों ये आपका रीडिंग सेक्शन है, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है वो आप लर्न करेंगे, उनके मीनिंग सर्च करेंगे। ये आपको नोटबुक में नहीं करना है बच्चों, अब आपको बुक में करना है पेज नंबर 10 जो आपकी एक्टिविटी का पार्ट है अपने आप करेंगे आप, पेज नंबर 12 पर जो एक्टिविटी पार्ट है, पेज नंबर 13 पर जो एक्टिविटी पार्ट है, और पेज नंबर 13 पर एक आपको पोस्टर भी बनाना है हेल्पफुलनेस यानी मदद करने के उससे कि कैसे हमें किसी की मदद करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, तो उसके लिए आप पोस्टर बनाएंगे। तो ये सारा काम बच्चों आज है आपका, आपको आज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।